हाय किड्स, इसके पहले वाला जो वीडियो था चैप्टर 6 का, उसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था. ओके, अभी इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है वो एक्सप्लेन करूँगी. ओके, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस. तो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो हम क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे. ओके किड्स, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसे हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज टाशा सेज बी वेरी क्वाइट देन यू कैन डैश थिंग्स. तो टाशा है वो उसको सिखा रहे थे ना अपने कब्स को, शाशा, राजा और आशा को वो सिखा रही थी. तब वो क्या कहती है कि आपको चुप रहना है, आवाज़ नहीं करना है, तभी आप कोई भी चीज़ कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो. तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा कैच, CATCH, कैच. ओके, देन टाशा एंड हर कब्स गो इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर डैश. तो टाशा और उसके कब्स है वो फॉरेस्ट में क्यों गए थे, फूड के लिए. तो यहाँ पे आएगा फूड, FOOD, फूड. राजा इज डैश व्हेन ही कैन नॉट सी हिज मदर. राजा को क्या होता है जब वो अपनी मम्मा को नहीं देखता है, तो वो डर जाता है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड. राजा इज अफ्रेड व्हेन ही कैन नॉट सी हिज मदर. राजा सीज समथिंग ऑरेंज डैश एंड वाइट. तो राजा को कुछ चीज़ ऐसी दिखती है जो कौन से कलर थे उसमें, ऑरेंज था फिर ब्लैक, BLACK, ब्लैक एंड वाइट कलर का था. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर. ये वाला एक्सरसाइज भी आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक में करना है. ओके किड्स, नाउ वी विल गो फॉर ग्रामर पोर्शन. रीड दिस सेंटेंसेस. राजा इज अफ्रेड, ही स्टॉप्स एंड लिसन्स. राजा था वो डर गया था और वो रुक कर सुन रहा था. तो यहाँ पे उसने फर्स्ट सेंटेंस में उसने राजा यूज़ किया और सेकेंड में ही, तो ही इज इक्वल टू राजा. राजा हम बार बार ये बोलेंगे राजा इज़ अफ्रेड, राजा स्टॉप्स, राजा लिसन्स, तो वो राजा ज़्यादा हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ नेम वी यूज़ ही. ठीक है, सिमिलरली टाशा लव्स हर कब्स, शी प्लेज विथ देम. तो यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस में टाशा यूज़ हुआ है और सेकेंड में शी यूज़ हुआ है ना. तो टाशा की जगह पे हमने शी यूज़ किया क्योंकि टाशा है वो फीमेल है, तो हम शी यूज़ करेंगे उसकी जगह पे. टाशा एंड हर कब्स गो इनटू द फॉरेस्ट दे लुक फॉर फूड. तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो टाशा और उसके कब्स दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो जब हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे, THEY, दे. हियर इज अ टॉय कार, इट इज रेड. जब हम कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो टॉय कार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इट यूज़ करेंगे. ओके, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं रिपीटेडली उसी नेम चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में हम बोलेंगे तो उसका नेम नहीं लेंगे हम, उसकी जगह पे हम इट यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ sometimes we don't use the name of a person or thing. We use he, she, it, we or they. कभी कभी हम उस person या चीज़ का name नहीं लेते, पर उसकी जगह पर हम क्या use करते हैं, he use करते हैं, she, it, we, they, ये use करते हैं. ठीक है, Polly is my friend. I say she is a good friend but she talks a lot. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोली उसकी दोस्त है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, I say, मतलब मैं बोल रही हूँ,
पोले की जगह पे उसने शी यूज़ किया कि वो एक अच्छी दोस्त है और वो बहुत बातें करती है ना। तो यहाँ पे शी का यूज़ हुआ है। नाउ ड्रॉ लाइन फ्रॉम द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। तो यहाँ पे हमें नेम की जगह पे उसके जो वर्ड्स यूज होते हैं है ना, वो यहाँ पे हमने मैच करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक लेडी है, वुमन है, तो शी इज़ अ फीमेल, तो फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं शी। फिर यहाँ पे एक मैन है, वो कुक कर रहा है, तो मैन के लिए हम यूज़ करते हैं ही, तो मैन के पिक्चर को हम ही के साथ मैच करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिश है, तो फिश के लिए हम यूज़ करेंगे इट। सिमिलरली यहाँ पे मंकी है, तो मंकी के लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। ओके नाउ यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल इज़ अ फीमेल, तो उसके लिए भी हम शी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस है, तो उन एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स होता है, तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम दे के साथ उसको मैच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट इज वोकैबुलरी पोर्शन। रीड दीज सेंटेंसेस। ताशा इज़ अ टाइगर, राजा इज़ हर कब। तो यहाँ पे दिया है कि ताशा वो एक टाइगर है और राजा क्या है, उसका कब है, उसका छोटू सा बेबी है। तो मैच दीज यंग एनिमल्स विद द करेक्ट एडल्ट एनिमल्स, मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स है, उसको उसके बेबीज के साथ आपको मैच करना है। ओके तो फर्स्ट वन इज़ चिक, तो किसके बेबी को बोलते हैं, हैन की, तो यहाँ पे उसके साथ उसको मैच करना है। फिर इट इज़ लैम्ब, लैम्ब को हम मैच करेंगे शिप के साथ, लैम्ब है वो शिप का छोटू बेबी है। देन इट इज़ किड, किड है वो गॉड का छोटू बेबी होता है, तो उसको उस गॉड के साथ मैच करेंगे। फॉल है वो हॉर्स का छोटू बेबी है, तो उसको ई के साथ हॉर्स के साथ मैच करेंगे। देन काल्फ, काल्फ है वो काउ का छोटू बेबी है, तो उसको हम काउ के साथ मैच करेंगे। ओके वैसे आपको एनिमल्स और उसके बेबीज को मैच करना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना। दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। तो यहाँ पे दिस से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लेटर टी वो क्या होगा, कैपिटल होगा, है ना। रीड दिस सेंटेंसेस, सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी इन कैपिटल्स। यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, उसे हमें रीड करना है और जो लेटर कैपिटल में होना चाहिए उसे हमें सर्कल करना है। ओके अ स्मॉल फ्रॉग लिव्स नियर अ लेक, छोटा सा फ्रॉग है वो लेक के पास रहता है, तो इट स्टार्ट्स विथ अ, तो अ है उसको कैपिटल होना है, तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। इट इज़ ग्रीन कलर, वो कैसे, ग्रीन फ्रॉग, वो कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का फ्रॉग है, तो यहाँ पे इट में आई है वो कैपिटल है, तो उसको हम सर्कल करना है, उसको कैपिटल करना है। इट कैन होप वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक कूद सकता है, तो इट यहाँ पे भी इट में हम आई कैपिटल होगा, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। इट कैचेस द फ्लाइज दैट कम टू द लेक, वो लेक के पास अगर कोई फ्लाइज आती है उसको वो पकड़ लेता है। ओके तो यहाँ पे भी इट आई है उसको हम सर्कल करेंगे। ओके तो ये जो हमने सर्कल किए हैं वो लेटर्स कैपिटल में आएंगे। ओके किड्स, नाउन है इज प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे लिसन एंड रिपीट, आपको मैं बोल रही हूँ मेरे साथ आपको वो रिपीट करना है। फर्स्ट इज पाथ, PATH पाथ, BATH बाथ, तो आपको भी वो रिपीट करना है। ओके देन इट इज पुल, PULL पुल, BULL बुल। देन PIE पाई,
बी यू वाई बाई, आर ओ पी ई रोप, आर ओ बी ई रोब, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन। ठीक है, वैसे ही ये आप वर्ड्स आप लोगों को सुनने हैं और उसको रिपीट करने हैं। आपको पी और बी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पी पाथ, बी बाथ। ओके, तो पी का साउंड प होता है और बी का साउंड ब होता है, ये आपको समझना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ राइटिंग पोर्शन है। रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर इट। वेयर डू टाशा एंड हर कब्स लिव। तो टाशा और उसके कब्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें आंसर दिया हुआ है, बट इट इज इन जंबल, जंबल में है। तो उसको वर्ड्स को हम लोग को प्रॉपर अरेंज करके उसका सेंटेंस बनाना है। फॉरेस्ट इन अ लिव दे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दे लिव इन अ फॉरेस्ट। दे लिव इन अ फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, रीअरेंज दीज वर्ड्स, राइट द शॉर्ट आंसर्स इन योर नोटबुक्स। यहाँ पे हमको सेम चीज़ करना है, क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर है, उसको प्रॉपर अरेंज करके वर्ड्स को हमें उसको आंसर प्रॉपरली क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज द गर्ल वियरिंग। तो गर्ल ने क्या पहना है? शी इज वियरिंग अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहना है। तो यहाँ पे जंबल में है, पर हम जब क्लासवर्क नोटबुक में लिखेंगे तो प्रॉपर सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, विच टॉय हैज़ बिग ईयर्स। कौन सी टॉय में बिग ईयर्स है, बड़े बड़े कान हैं? तो द रैबिट हैज़ बिग ईयर्स। तो रैबिट है उसके पास, उसके ईयर्स है वो बड़े हैं। द रैबिट हैज़ बिग ईयर्स। देन व्हाट कलर इज द सोल्जर्स शर्ट। सोल्जर के शर्ट का कलर क्या है? इट इज ग्रीन। कैसा है? ग्रीन कलर का है। तो सेंटेंस बनेगा इट इज ग्रीन। फिर हाउ मैनी टायर्स डज द टॉय कार हैव। टॉय कार में कितने टायर्स हैं? तो उसका सेंटेंस है इट हैज़ फोर टायर्स। कितने टायर्स है? फोर। इट हैज़ फोर टायर्स। तो प्रॉपर अरेंज करके हम लोग इसको क्लासवर्क नोटबुक में लिखेंगे। ओके किड्स, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स। सहाना इज ऑन द बस विथ हर पेरेंट्स। इट इज़ वेरी क्राउडेड, सी आर ओ डी ई डी, क्राउडेड। यहाँ पे क्या है? सुहाना है वो अपने पेरेंट्स के साथ बस में है, पर बस है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब बहुत ही भीड़ है वहाँ पे, है ना। फिर हर पेरेंट्स गेट डाउन फ्रॉम द बस। हर पेरेंट्स गेट डाउन फ्रॉम द बस, उसके पेरेंट्स है वो बस में से नीचे उतर गए। बट सहाना इज स्टिल इन द बस, पर सहाना है वो बस के अंदर रह गई और पेरेंट्स उसके क्या हुआ? बस से नीचे उतर गए। द बस स्टार्ट्स टू मूव, बस था वो शुरू हो गया, आगे बढ़ने लगा। व्हाट शुड सहाना डू। तो अभी सहाना को क्या करना चाहिए? थ्री ऑप्शंस दिए हैं हमें, जंप डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, मतलब चलती हुई बस से उसको कूद जाना चाहिए, या फिर क्राई क्वाइटली, चुपके से रोना चाहिए, या फिर टेल द बस कंडक्टर एंड आस्क हिम टू स्टॉप द बस, या फिर उसको बस कंडक्टर को बोलना चाहिए और बस को रुकाना चाहिए, है ना। तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट वन, बस कंडक्टर को बोलना चाहिए और उसको बस को रुकवाना चाहिए, है ना। टेल द बस कंडक्टर एंड आस्क हिम टू स्टॉप द बस। आपको भी ऐसा, अगर आप गुम गए हो अपने एल्डर्स से, पेरेंट्स से आप बिछड़ गए, तो आपको क्या करना है? कोई भी बड़ा है या कोई भी पुलिसमैन है आसपास,
कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ही इज़ अ सेफ पर्सन, उसके पास जाके आपको बोलना चाहिए कि मैं गुम हो गया, मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके किड्स, ओके, थैंक यू, बाय किड्स।